بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. وعجل اللهم فرجه مولانا صاحب الزمان. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. Nabiyon ko jano series ke episode 24 mein aaj hum Nabi Uzair alaihi salam ke bare mein baat karenge. Nabi Uzair alaihi salam ki jo story hai wo Allama Muhammad Baqir Majlisi ki Hayatul Qulub mein maujood hai. Janab Uzair alaihi salam ki jo story hai, kuch riwayaton mein aisa mentioned hai Hayatul Qulub mein ki shayad se ye janab Irmiya the, lekin कई रवायतों में मौजूद है कि यह स्टोरी जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम की है. जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है. एक बार स्टोरी ऐसी है जनाब उज़ैर की कि जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जो है कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो है डेड बॉडीज पड़ी हुई है. तो उनको ख्याल आया कि किस तरह अल्लाह जो है इन लोगों को कयामत के दिन फिर से जिंदा करेगा, कि जबकि जब जो डेड बॉडीज है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है. जब इंसान कब्र में जाता है तो ये बॉडी रहती नहीं है, बॉडी कम्प्लीटली जो है खत्म हो जाती है, सिर्फ हड्डियां बचती है और उसके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हड्डियां भी जो है खत्म हो जाती है. तो जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि किस तरह अल्लाह जो है इन लोगों को जिंदा करेगा. वो एक डोंकी पे सवार थे, जा रहे थे कहीं, और उनके साथ कुछ फ्रूट्स एंड फूड्स भी जो है मौजूद थे. जब उनको यह ख्याल आया और वो अल्लाह ने जो है उन पर जो है मौत नाजिल की, वो जो है इस दुनिया से चले गए और अल्लाह ने उनको 100 ईयर्स के बाद जो है फिर से जिंदा किया. अब जब उनको फिर से जिंदा किया, अल्लाह ने उनको पूछा कि आप जो है कितने, आपको क्या लगता है? तो बोले मैं सो रहा था. तो बोले आप कितने टाइम तक सोए, आपको क्या लगा है? तो बोले शायद एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्से तक. तब अल्लाह ने जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहा कि आपको जो है मैंने मौत दी थी और 100 साल बाद आपको जिंदा किया है. अपने डोंकी को आप देखिए. जब जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने डोंकी को देखा तो वो डोंकी का सिर्फ स्केलेटन बचा था, क्योंकि 100 साल हो गए तो डोंकी जो है मर चुका था और उसका सिर्फ स्केलेटन बचा था. उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अपने फूड और जो फ्रूट्स थे, जो फ्रेश फ्रूट्स थे, उसको देखिए. जब जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस फूड एंड फ्रूट्स को देखा तो वो ताजा तरीन थे. इस तरह अल्लाह ने जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को रियलाइज करवाया कि अल्लाह जो है इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है. जब अल्लाह के ये स्टोरी से हटके है कि जब अल्लाह, जब हम कुछ नहीं थे तो उसने हमें नथिंग में से अगर कुछ बनाया, तो जब हम मर जाएंगे एटलीस्ट हमारी हड्डियों का भूसा तो होगा. तो जब अल्लाह कुछ नहीं में से हमको इतना बड़ा बना सकता है, तो क्या उस भूसे में से अल्लाह इंसान नहीं बना सकता? यकीनन अल्लाह जो है हर चीज पर कुदरत रखता है. उसके बाद अल्लाह ने जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कम्युनिटी के पास भेजा. जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा और रियलाइज किया कि 100 साल जो है बीत चुके हैं, जनरेशन जो है अलग हो चुकी है, और इस तरह जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो है स्टोरी मौजूद है रवायतों में. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे एक और नबी की स्टोरी के साथ. 5 मिनट्स at 5 PM नबियों को जानो सीरीज. थैंक यू वेरी मच. वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम.